पोर्टफोलियो मैनेजमेंट जो 25 से 30 नंबर का आता है, फॉर्मूले पर बेस्ड चैप्टर है, ठीक है। द टर्म पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का मतलब क्या है? तो देखिएगा, ये जो शब्द है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, ये दो अलग अलग टुकड़ों को मिलाकर बनाया गया है। एक तो है पोर्टफोलियो, और एक टर्म होता है मैनेजमेंट। एक तो है पोर्टफोलियो और एक है मैनेजमेंट। देखिए, पोर्टफोलियो का बेसिक मतलब होता है ग्रुप ऑफ सिक्योरिटीज या ग्रुप ऑफ इन्वेस्टमेंट। ग्रुप ऑफ इन्वेस्टमेंट, मेरी बात को समझना। जैसे मान लीजिए मेरे पास 5 लाख रुपए हैं, मैंने इन 5 लाख को डिफरेंट डिफरेंट जगह पर इन्वेस्ट किया हुआ है। 1 लाख रुपए शेयर मार्केट में डाल रखे हैं, 1.5 लाख रुपए गोल्ड में इन्वेस्ट कर रखा है, 50,000 के मेरे पास बॉन्ड्स पड़े हुए हैं, और 2 लाख मेरा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड है। तो देखिएगा, पोर्टफोलियो मींस कलेक्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट टूल सच एज शेयर्स, म्यूचुअल फंड, बॉन्ड्स, गोल्ड, कैश एक्सेट्रा, डिपेंडिंग अपॉन द इन्वेस्टर्स इनकम। मैंने अपने 5 लाख रुपए की सेविंग्स को डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में क्या कर दिया, इन्वेस्टमेंट कर दिया है। ये इन्वेस्टमेंट इंडिविजुअली तो इन्वेस्टमेंट कहलाता है, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, इन्वेस्टमेंट इन गोल्ड, इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड, इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड। लेकिन जब मैं इनको एक कलेक्टिव मैनर में बोलूंगा, जब मैं इनको एक कलेक्टिव मैनर में बोलूंगा, तो मैं ये बोलूंगा कि ये मेरा एक पोर्टफोलियो तैयार हो गया है, या एक ग्रुप ऑफ इन्वेस्टमेंट आ गया है, जिस ग्रुप ऑफ इन्वेस्टमेंट में मेरे पास कई सारे क्या हैं, डिफरेंट डिफरेंट असेट है। मैनेजमेंट का मतलब होता है डिसीजन मेकिंग। मैनेजमेंट का मतलब होता है डिसीजन मेकिंग। व्हाट डज इट मीन? डिसीजन रिगार्डिंग द इन्वेस्टमेंट इज कॉल्ड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। डिसीजन रिगार्डिंग द इन्वेस्टमेंट इज कॉल्ड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। देखिएगा, हर इन्वेस्टर के दिमाग में दो बातें होती हैं। एक होती है उसके इन्वेस्टमेंट से मिलने वाली रिटर्न, और एक उसके इन्वेस्टमेंट में इंक्लूड होने वाली रिस्क। तो बेसिकली डिसीजन मेकिंग एक ऐसी सिचुएशन को बताता है जहां पर ये इन्वेस्टर अपने इस पोर्टफोलियो को तैयार करते समय रिस्क और रिटर्न को एनालाइज करता है, और ये सोचता है कि मैं कुछ इस तरह से इन्वेस्टमेंट करूं कि मेरी रिटर्न तो आए मैक्सिमम और मेरी रिस्क आए मिनिमम। तो मैनेजमेंट का मतलब केवल इतना सा है कि आप अपने इन्वेस्टमेंट को लेकर इस तरह का डिसीजन लेंगे ताकि इन्वेस्टर अपने ऑब्जेक्ट को अचीव कर सके। And what is the basic object of any investor? The basic object is to earn maximum return at minimum level of risk. To earn maximum return at minimum level of risk. तो मेरे हिसाब से अब आपको portfolio management का meaning clear है। Portfolio management का मतलब हुआ मैं एक ऐसा plan बनाऊंगा, एक ऐसा डिसीजन लूंगा। डिसीजन किसको लेकर? मेरे इन्वेस्टमेंट को लेकर के डिसीजन लूंगा, ताकि मैं
अपना जो बेसिक ऑब्जेक्ट है इन्वेस्टमेंट करने का, इन्वेस्टमेंट करने का जो बेसिक ऑब्जेक्ट है हाई रिटर्न एट लोअर लेवल ऑफ रिस्क, मैं उसको अचीव कर सकूं। तो इसी बात को हम बोलते हैं पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। देखिएगा, आगे बढ़ता हूं। देखो मैंने क्या समझाया, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट मींस आर्ट ऑफ सेलेक्टिंग द राइट इन्वेस्टमेंट पॉलिसी फॉर द इंडिविजुअल्स इन टर्म्स ऑफ मिनिमम रिस्क एंड मैक्सिमम रिटर्न। तो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट एक आर्ट है जिसमें आप राइट इन्वेस्टमेंट पॉलिसी का सिलेक्शन करोगे ताकि आप मिनिमम रिस्क पर क्या कमा सको, मैक्सिमम रिटर्न कमा सको। एक और बात मैं इसमें बोल सकता हूं, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का मतलब है मनी को मैनेज करना विद द एक्सपर्ट गाइडेंस ऑफ द पोर्टफोलियो मैनेजर्स। क्योंकि देखिएगा, जब आपको डिसीजन लेना है, आर्ट है ये, हर जने में आर्ट नहीं होती कि वो अपना राइट डिसीजन इस ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ले पाए, तो वो अपने इस ऑब्जेक्ट को अचीव करने के लिए कुछ लोगों की सहायता लेता है, जिन उन लोगों को हम कहते हैं पोर्टफोलियो मैनेजर्स, जो एक्सपर्टाइज होते हैं इस इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज को रीड करने में। तो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट आपकी मनी को मैनेज करने का एक तरीका है अंडर द गाइडेंस ऑफ द पोर्टफोलियो मैनेजर। नाउ व्हाट आर द बेसिक ऑब्जेक्ट ऑफ द पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, मैनेजमेंट के ऑब्जेक्ट क्या हैं? देखो बहुत सिंपल सी बात है, बेसिक ऑब्जेक्ट्स तो आपको पता ही लग गया, थोड़ा और उसको इलेबरेट कर देते हैं। आप जब भी अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आपका एक ऑब्जेक्ट होता है कैपिटल एप्रिसिएशन, यानी आपने अगर 1,00,000 रुपए लगाए तो आप ये चाहोगे ना वो 1,00,000 और बढ़ जाए, तो इट विल बी कॉल्ड कैपिटल एप्रिसिएशन। मैक्सिमाइजिंग रिटर्न, कैपिटल तो बढ़े ही बढ़े, साथ में आपको रिटर्न भी मिलती रहे। जैसे फॉर एग्जांपल, मान लो मैंने किसी शेयर्स में इन्वेस्ट किया, तो मेरे माइंड में दो ऑब्जेक्ट हैं, एक तो मुझे टाइम टू टाइम अच्छा डिविडेंड मिलता रहे तो मेरी रिटर्न आती रहेगी, और दूसरा उन शेयर की मार्केट वर्थ बढ़ती रहे, यानी मुझे कैपिटल एप्रिसिएशन भी मिलता रहे। रिस्क ऑप्टिमाइजेशन, रिस्क कम से कम होनी चाहिए, इनकम मिले, कैपिटल एप्रिसिएशन भी हो, बट रिस्क ऑप्टिमम रहे मेरी। एलोकेटिंग द रिसोर्स ऑप्टिमम, देखिएगा मैनेजमेंट का मतलब ही यही होता है, ऑप्टिमम तरीके से एलोकेशन या डिसीजन लेना। तो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का एक ऑब्जेक्ट ये भी हुआ कि आपके पास जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उन लिमिटेड रिसोर्सेज का ऑप्टिमम मैनर में एलोकेशन हो पाए। प्रोटेक्टिंग योर अर्निंग्स अगेंस्ट द मार्केट रिस्क, देखिए मार्केट बहुत ज्यादा अनसर्टेन होता है, तो मार्केट में जो रिस्क है उसके अगेंस्ट आप अपनी अर्निंग्स को प्रोटेक्ट कर पाओ। ये तभी पॉसिबल है जब आपका मैनेजमेंट यानी जो डिसीजन है इन्वेस्टमेंट का वो बहुत ही वाइज होगा। तो ये बेसिक ऑब्जेक्ट ये होते हैं किसी भी पोर्टफोलियो को मैनेज करने के लिए। आइएगा टाइप्स ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। एक्टिव, देखिए एक्टिव का मतलब होता है बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट करना, यानी इन दिस टाइप ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट द पोर्टफोलियो मैनेजर इज मोस्टली कंसर्न विथ जनरेटिंग द मैक्सिमम रिटर्न। यहां उसका ऑब्जेक्ट केवल रिटर्न की तरफ होता है कि भैया मैं ज्यादा से ज्यादा रिटर्न कमा लूं। समझना, फॉर एग्जाम्पल मान लो ये मैं हूं, ठीक है, अब सुनना मेरी बात को बहुत ध्यान से। मैंने क्या सोचा कि यार मेरे पास
दो सोर्सेज ऑफ इनकम आ रही हैं। बोले लाइव क्लास से, बोले रिकॉर्डेड से। मैं काम करता हूं एक्टिवली अपनी रिटर्न को बढ़ाने की सोचता हूं, क्योंकि कुछ सालों बाद मेरी एफिशिएंसी खत्म हो जाएगी, तो मुझे भैया जितनी इनकम मिल जाए वो बहुत अच्छा। तो मैंने क्या किया, अपने अमाउंट के एक हिस्से को शेयर मार्केट में डाल दिया। शेयर मार्केट, वो भी ट्रेडिंग एक्टिविटी। ट्रेडिंग, ट्रेडिंग एक्टिविटी का मतलब होता है अंडर वैल्यूड है इमीडिएटली खरीद लो, वैल्यू बढ़ी तो तुरंत बेच दो। यहां पर मेरा जो माइंड सेट है वो केवल और केवल रिटर्न को लेकर है। तो ऐसा मैनेजमेंट जब मैं करता हूं तो उसे बोला जाता है एक्टिव पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। मैं एक्टिवली अपना सिग्निफिकेंट शेयर जो होगा वो शेयर मार्केट में डाल दूंगा, ट्रेडिंग ऑफ सिक्योरिटीज में डाल दूंगा, और जैसे ही उनकी प्राइस कम होगी मैं खरीदूंगा, प्राइस बढ़ेगी तुरंत बेच दूंगा। इसे मैं बोलूंगा एक्टिव पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। पैसिव पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, इन दिस टाइप ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट द पोर्टफोलियो मैनेजर डील्स with a fixed portfolio designed to match the current market scenario. Passive portfolio में मैं उतना ज्यादा active नहीं हूं, यानी मेरा जो portfolio होगा वो market के scenario के हिसाब से बनाऊंगा। Market के scenario का मतलब हो गया कि market के fluctuation को देखते हुए मैं कुछ पैसा share market में डालूंगा, कुछ पैसा आरएफ के इन्वेस्टमेंट पर डालूंगा, और एक ऐसा पोर्टफोलियो जो मार्केट की कंडीशंस के अकॉर्डिंग मेरे पोर्टफोलियो को मैच कराते हैं, उसे हम बोलते हैं पैसिव पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। डिस्क्रिशनरी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, यहां पर पोर्टफोलियो मैनेजर को मैं पूरा कंट्रोल दे देता हूं, free to adopt any strategy which is suitable for the investor. अब क्या हुआ वो समझो यार, मैंने कहा कि मेरे पास पैसा तो आ गया, लेकिन इसको मैनेज करने का टाइम नहीं है मेरे पास। मैं टाइम कहां से लाऊं कि शेयर मार्केट को देखूं, उसके हिसाब से चलूं, पैसा इन्वेस्ट करूं। तो मैंने क्या किया, एक पर्सन को फुल ऑथोरिटी दे दी। मैंने कहा ले मेरी मनी ले जा। इसे बोला गया पोर्टफोलियो मैनेजर। मैंने इसको पूरा कंट्रोल दे दिया कि ले मैं तुझे मंथली 50,000 रुपए दे रहा हूं, You have totally control over the money. तू मेरी मनी को जहां चाहे वहां इन्वेस्ट कर, अपने हिसाब से स्ट्रेटेजी बना, पर ध्यान रखना मुझे फायदे मिलने चाहिए। क्लियर? बिल्कुल। तो इसे बोलते हैं डिस्क्रिशनरी, जहां पर पावर सारी की सारी डेलीगेट कर दी मैंने। और नॉन का मतलब एडवाइस दे तू मुझे, पैसा नहीं दूंगा तुझे मैं, तेरे को कंट्रोल नहीं दूंगा। हाँ, तू मुझे एडवाइस दे, फिर अगर मुझे लगता है तो मैं तुझे पैसा दे दूंगा, तू वहां इन्वेस्ट कर देना। अगर तेरी एडवाइस मुझे पसंद नहीं आई तो मैं इसको रिजेक्ट कर दूंगा। फाइनल कॉल ऑफ इन्वेस्टमेंट मेरे पास होगी, मिस्टर ए के पास होगी। पोर्टफोलियो मैनेजर केवल मुझे एडवाइस देगा कि भैया मार्केट में ये शेयर आया है, मार्केट में इस शेयर के भाव बढ़ने की उम्मीद है, पैसा लगा दो। बट द अल्टीमेट डिसीजन विथ मी, मेरी इच्छा होगी तो मैं उसकी एडवाइस को मानूंगा, और अगर मेरी इच्छा नहीं होगी तो मैं उसकी एडवाइस को रिजेक्ट कर दूंगा। तो बेसिकली मार्केट में इस तरह के पोर्टफोलियो मैनेजमेंट चलते हैं। बताइए, मीनिंग क्लियर है सारे?
यस सर। आ जाओ, पोर्टफोलियो मैनेजर कौन होता है? हालांकि देखो मैंने डिस्कस कर ही लिया कि पोर्टफोलियो मैनेजर कौन होता है। कोई भी पर्सन, इंडिविजुअल, जो क्लाइंट की फाइनेंशियल नीड को समझे और उसकी इनकम और रिस्क टेकिंग एबिलिटी को ध्यान में रखते हुए उसके लिए एक सुटेबल इन्वेस्टमेंट प्लान बनाए, उसको हम बोलते हैं पोर्टफोलियो मैनेजर। ठीक है, यानी जो क्लाइंट की फाइनेंशियल नीड को समझे, एक ऐसा इन्वेस्टमेंट प्लान बनाए जो उसकी इनकम को देखते हुए और उसकी रिस्क उठाने की एबिलिटी को देखते हुए ही प्लान बनाकर देगा, उसे हम बोलते हैं पोर्टफोलियो मैनेजर, यानी द पर्सन हु इन्वेस्ट ऑन बिहाफ ऑफ द क्लाइंट। क्लाइंट के बिहाफ पर काम करने वाला, इन्वेस्टमेंट करने वाला पर्सन जो मैंने अपॉइंट किया, उसी को मैं बोलूंगा पोर्टफोलियो मैनेजर। तो ये तो कुछ बेसिक थ्योरी हो गई। अब यहां पर हम चार पार्ट में अपने चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। फॉर द प्रैक्टिकल एस्पेक्ट, द पोर्टफोलियो मैनेजमेंट वी स्टडीड अबाउट, पहली थ्योरी आती है मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी, दूसरी थ्योरी हम पढ़ेंगे कैपिटल मार्केट थ्योरी, तीसरी हम पढ़ेंगे आर्बिट्रेज प्राइसिंग थ्योरी, एंड द फोर्थ वन इज मिसलेनियस कॉन्सेप्ट्स। आइएगा अब हम बात करते हैं वन बाय वन थ्योरी, पूरे फॉर्मूले हैं, ध्यान से सुनते चलें और करते चलें। मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी इज गिवन बाय हैरी मार्कोविच, इन्हें पोर्टफोलियो का गॉडफादर माना जाता है। पहली बार जो पोर्टफोलियो का कॉन्सेप्ट जनरेट हुआ था वो हैरी मार्कोविच ने किया था, और इनके रेस्पेक्ट में एक कोटेशन भी आपको जगह जगह मिल जाएगी, और वो है डू नॉट पुट ऑल योर एग्स इन सिंगल बास्केट। Don't put all your eggs in a single basket. ये quotation Harry Markowitz की इस modern portfolio theory के जन्म होने की वजह थी। आप अपने सभी अंडे एक single basket में accumulate मत करो। ये क्या था भाई? देखिए Harry Markowitz ने बचपन मतलब जब वो college life में थे, तो उन्होंने अपनी ग्रैंड मदर को एक काम करते हुए ऑब्जर्व किया था। वो क्या काम था कि वो उनकी जो ग्रैंड मदर थी वो अंडे लाती, उन अंडों को अलग अलग बास्केट में रखकर फिर फ्रिज में रखती थी। बास्केट नंबर वन, बास्केट नंबर टू, बास्केट नंबर थ्री। जितनी बार भी घर में अंडे आते, उन अंडों को तीन अलग अलग बास्केट में रखा जाता और फिर उनको स्टोर कर दिया जाता। तो हैरी मार्कोविच ने अपनी ग्रैंड मदर से पूछा कि जब ये सारे अंडे फ्रिज में ही जाने हैं, एक साथ आ गए, इनको तीन अलग अलग बास्केट में रखने के पीछे क्या रीजन है? तो बहुत सिंपल सी बात उनकी ग्रैंड मदर ने उनको समझाई कि देख बेटा हैरी, अगर मैं सारे अंडे एक सिंगल बास्केट में डाल दूं और कोई एक अंडा सड़ जाए तो पता है क्या होगा? उसका इंपैक्ट बास्केट में रखे हुए सारे अंडों पर आ जाएगा। अगर मान ले इस बास्केट का एक अंडा सड़ा तो ये दो बास्केट सुरक्षित हैं। इसके अंडे तो खराब हो गए लेकिन ये बास्केट सुरक्षित है। हैरी के मन में तभी एक विचार आया कि यार जब हम एक छोटी सी चीज, अंडे, 5 रुपए, 3 रुपए का एक अंडा
उसके लिए अगर हम ये बातें सोचते हैं तो why not for our money which is very very precious than the eggs. तब हैरी मार्कोविच ने अपना एक फंडामेंटल रूल डेवलप किया. उसने बोला डू नॉट पुट ऑल योर मनी इन अ सिंगल इन्वेस्टमेंट. आप अपनी पूरी की पूरी मनी को एक इन्वेस्टमेंट प्लान में मत डालो, क्योंकि अगर आपने अपनी सारी मनी को एक जगह पर डाल दिया, अगर आपने अपनी सारी मनी को एक जगह पर डाल दिया तो क्या होगा, और मान लो अगर उसी इन्वेस्टमेंट पर नुकसान हो गया तो आपका पूरा पैसा डूब जाएगा. तो उसने कहा क्या करो, उसने कहा आप अपनी मनी को अलग अलग बास्केट में डालो. यानी अलग अलग जगह इन्वेस्ट करो. और मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी का जो जन्म हुआ वो हुआ रिस्क रिटर्न ऑप्टिमाइजेशन मॉडल के नाम से. देखिएगा, जब भी मनी की बात आती है ना, तो मनी की बात में एक इन्वेस्टर के दिमाग में दो ही चीजें आती हैं, रिस्क और रिटर्न. इसके अलावा मनी के इन्वेस्टमेंट को लेकर वो इन्वेस्टर कुछ और नहीं सोचेगा. तो द मेन ऑब्जेक्ट, द मेन पॉइंट ऑफ द एमपीटी थ्योरी इज रिस्क रिटर्न ऑप्टिमाइजेशन मॉडल. यानी जब भी आप अपनी मनी को इन्वेस्ट करने के लिए जाओगे तो आपको एक रिस्क और रिटर्न के ऑप्टिमाइजेशन पर सोचना पड़ेगा. देखिए उसने और क्या बोला, बोले एवरी इन्वेस्टर मेनली कंसर्न विथ टू प्रॉपर्टीज ऑफ एन इन्वेस्टमेंट. हर इन्वेस्टर जब भी इन्वेस्टमेंट करने जाएगा तो वो इन्वेस्टमेंट को लेकर दो ही बातें सोचेगा, रिस्क और रिटर्न, कि जहां पर वो पैसा इन्वेस्ट करने जा रहा है उस इन्वेस्टमेंट में रिस्क कितनी है और उस इन्वेस्टमेंट के रिटर्न की संभावनाएं क्या क्या है. यानी बिफोर सेलेक्टिंग एनी सिक्योरिटी इन्वेस्टर मस्ट इवेल्युएट रिटर्न एंड रिस्क ऑफ ईच सिक्योरिटी एंड देन सेलेक्ट द बेस्ट सिक्योरिटी अमंगस्ट द अवेलेबल सिक्योरिटीज. यही था रिस्क रिटर्न ऑप्टिमाइजेशन मॉडल. यानी क्या मॉडल था, आपके पास जो अवेलेबल सिक्योरिटीज हैं उनको इवेल्युएट करने के लिए सिक्योरिटी से रिलेटेड रिटर्न निकालो और सिक्योरिटी से रिलेटेड रिस्क निकालो. जब आप ये दोनों बातें कैलकुलेट कर लोगे तो इनको इवेल्युएट करना, और इस रिस्क रिटर्न के इवेल्युएशन के बेसिस पर बेस्ट को सेलेक्ट कर लेना, और यही मॉडल कहलाया रिस्क रिटर्न ऑप्टिमाइजेशन मॉडल. तो यानी एज पर द कॉन्सेप्ट ऑफ एमपीटी थ्योरी मुझे अब दो बातें कैलकुलेट करनी आनी चाहिए, रिस्क क्या है और रिटर्न क्या है, एक सिक्योरिटी से रिटर्न क्या मिलेगी और उस सिक्योरिटी में इन्वॉल्व रिस्क क्या है. आइए यही से हमारा प्रैक्टिकल पार्ट चालू हुआ. एज पर हैरी मार्कोविच उसने बोला सबसे पहले तो रिटर्न देखते हैं अपन, तो किसी भी सिक्योरिटी की रिटर्न कैसे ढूंढी जाती है, या तो पास्ट डेटा के बेसिस पर या फोरकास्टिंग के बेसिस पर. मान लीजिए मुझे जिस कंपनी में इन्वेस्ट करना है वो कंपनी पिछले कई सालों से मार्केट में एग्जिस्ट करती है, तो मैं इमीडिएटली क्या करूंगा, उसकी पिछले कुछ सालों की रिटर्न देखूंगा और एक एवरेज रिटर्न निकाल लूंगा कि यार ऑन एन एवरेज ये कंपनी अपने इन्वेस्टर को इतना कमाकर देती है. तो आइए मैंने क्या लिखा वो देखना.
जब मैं पास्ट डेटा पर जाऊंगा, व्हेनेवर एक्चुअल रिटर्न अर्न बाय इन्वेस्टर्स फॉर पास्ट सम इयर्स आर गिवन, देन वी कैलकुलेट एवरेज रिटर्न फॉर दैट सिक्योरिटी। तो एवरेज रिटर्न कैसे निकालूंगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 यानी जितनी भी रिटर्न दी हुई है डिवाइडेड बाय n यानी टोटल नंबर ऑफ डेटा। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एवरेज। बट अगर मान लीजिए मेरे पास पास्ट ईयर का डेटा नहीं है तो मैं एक्सपर्ट का सहारा लूंगा और उस कंपनी से मिलने वाले एक्सपेक्टेड डेटा की तरफ जाऊंगा। यानी मैं ये सोचूंगा जिस सिक्योरिटी में मैं इन्वेस्ट करने जा रहा हूं वो सिक्योरिटी क्या एक्सपेक्टेड रिटर्न दे सकती है और उस एक्सपेक्टेड रिटर्न के होने की प्रोबेबिलिटी, दो बातों पर मुझे सोचना पड़ेगा, क्या रिटर्न आ सकती है और उस रिटर्न के आने की संभावना क्या है, और मैं उस आधार पर ER यानी एक्सपेक्टेड रिटर्न कैलकुलेट कर लूंगा। फॉर्मूला क्या बनेगा, पहली रिटर्न इनटू उसकी प्रोबेबिलिटी प्लस दूसरी रिटर्न इनटू उसकी प्रोबेबिलिटी एंड सो ऑन। तो क्या मेरी बात समझ आ गई, अगर क्वेश्चन में पास्ट डेटा यानी एक्चुअल रिटर्न दी हुई है तो एवरेज रिटर्न निकाल लोगे, अगर आपको क्वेश्चन में रिटर्न अलोंग विथ प्रोबेबिलिटीज दिया हुआ है तो आप एक एक्सपेक्टेड रिटर्न कैलकुलेट कर लोगे। आइए जरा इस बात को मैं एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूं। एग्जांपल नंबर वन, क्वेश्चन ने क्या बोला है, देखो, ए लिमिटेड प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन अबाउट द पास्ट रिटर्न एज अंडर, 5 सालों की रिटर्न दी हुई है, आपसे पूछा है स्टॉक ए की रिटर्न निकालिए, तो पास्ट डेटा अवेलेबल है विदाउट प्रोबेबिलिटी है तो लीजिए मैं एवरेज रिटर्न निकाल दूंगा। एवरेज रिटर्न इज इक्वल टू डिवाइड बाय 5। लीजिए मेरा आंसर आ गया, अगर मुझे पास्ट डेटा दिया हुआ है तो उस पास्ट डेटा के बेसिस पर मुझे सिंपली एवरेज रिटर्न निकालनी है, जो जो रिटर्न मुझे मिल रही हैं उन सबका टोटल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इयर्स। बोलिए क्लियर, बिल्कुल। तो अगर मुझे सिक्योरिटी की रिटर्न निकालनी है बेस्ड ऑन पास्ट डेटा तो मेरे पास ये रिटर्न आ गया। आगे बढ़े, एग्जाम्पल नंबर टू, द पॉसिबल रिटर्न एंड द एसोसिएट प्रोबेबिलिटीज ऑफ स्टॉक एक्स लिमिटेड आर गिवन बिलो। आपको रिटर्न दी हुई है और उन रिटर्न के होने की प्रोबेबिलिटीज दी हुई हैं। क्या पूछा गया है, एक्सपेक्टेड रिटर्न यानी ईआर निकाल दो, ईआर का फॉर्मूला लगा दो, 8 की रिटर्न आएगी इस बात की प्रोबेबिलिटी 0.10, 10 की रिटर्न आएगी इस बात की प्रोबेबिलिटी 0.15, 12 की रिटर्न आएगी इस बात की प्रोबेबिलिटी 0.18, 15 की रिटर्न आएगी इस बात की प्रोबेबिलिटी 0.12, 6 की रिटर्न आएगी इस बात की प्रोबेबिलिटी। सबको मल्टीप्लाई करो और टोटल बता दो, वो आपके पास एक्सपेक्टेड रिटर्न आ गई, इट इज 8%। ये पहला प्रैक्टिकल पार्ट है कि मुझे रिटर्न ऑफ द सिक्योरिटी कैलकुलेट करनी है तो या तो वो रिटर्न पास्ट डेटा पर बेस्ड होगी
या फिर वो रिटर्न जो है आपकी वो एक्सपेक्टेड डेटा पर बेस्ड होगी। पास्ट पर बेस्ड है तो एवरेज रिटर्न, पर अगर एक्सपेक्टेड डेटा आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है तो आप उसकी क्या निकालेंगे, एक्सपेक्टेड रिटर्न कैलकुलेट करेंगे। क्लियर यहां तक? बिल्कुल, यस सर। आइए, लेकिन एक और पॉइंट मैंने यहां लिखा है, अगर R1, R2, R3 आर नॉट गिवन, अगर मान लीजिए आपको रिटर्न्स गिवन नहीं है तो पहले आपको रिटर्न निकालनी पड़ेगी बाय यूजिंग अ फॉर्मूला ऑफ होल्डिंग पीरियड रिटर्न। भाई रिटर्न कैसे निकालते हो, आपने उसकी वजह से क्या कमाया, तो कमाई दो होती है, एक तो डिविडेंड और एक कैपिटल एप्रिसिएशन। तो मैं सबसे पहले रिटर्न कंप्यूट करूंगा, तो रिटर्न कैसे कंप्यूट करूंगा, जो भी डिविडेंड मिल रहा है प्लस P1 माइनस P0 यानी इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ शेयर्स डिवाइड बाय P0 इंटू 100, तो मेरे पास रिटर्न आ जाएगी। फिर उस रिटर्न से या तो एवरेज रिटर्न और या एक्सपेक्टेड रिटर्न जैसा भी डेटा होगा। आइए एग्जांपल नंबर 3, देखो ये क्या बोल रहा है, फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन कैलकुलेट एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ स्टॉक ए। एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालनी है यानी प्रोबेबिलिस्टिक डेटा है, लेकिन समस्या है इस बार रिटर्न गिवन नहीं है। मुझे क्या बोला गया है, आपके पास बिगिनिंग की प्राइस ₹50 है, डिविडेंड ₹2 मिलेगा और एंड की प्राइसेस की संभावनाएं दे रखी हैं। तो मैं इससे सबसे पहले R1 R2 निकाल दूंगा। R1 ₹2 तो डिविडेंड कमाऊंगा, प्लस अगर प्राइस 55 गई तो 55 माइनस 50 कमाऊंगा, डिवाइड बाय 50 इंटू 100, तो ये मेरे पास पहली रिटर्न आ गई। यानी 14% कमाऊंगा। रिटर्न 2 निकालो, ₹2 का डिविडेंड प्लस प्राइस अगर 60 गई तो 60 माइनस 50 डिवाइड बाय 50 इंटू 100, कितना आ गया, 24%। ये लो, फिर रिटर्न 3 निकाल लो, 2 प्लस 64 माइनस 50 डिवाइड बाय 50 इंटू 100, 32% रिटर्न आ गई। फिर R4 निकाल लो, 2 प्लस 68 माइनस 50 अपॉन 50 इंटू 100, 40% रिटर्न। अब रिटर्न आ गई, सारी प्रोबेबिलिटी दी हुई है, ER निकाल लो, तो ER इज इक्वल टू 14 इंटू 0.20 प्लस 24 इंटू 0.40 प्लस 32 इंटू 0.25 और प्लस इंटू 0.1। सॉल्व कर दीजिए, बत्तीस इंटू 0.25 और 40 इंटू 0.15, तो टोटल आपके पास आ गया 26।
तो ये लीजिए, आपके पास तीन तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं एक सिक्योरिटी की रिटर्न को कैलकुलेट करते समय। अगर रिटर्न गिवन नहीं है तो सबसे पहले मैं R1, R2, R3, R4 ये सारी रिटर्न कंप्यूट कर लूंगा एंड देन इन रिटर्न को मल्टीप्लाई कर दूंगा किससे, प्रोबेबिलिटी से। तो मेरे पास क्या आ जाएगी, एक्सपेक्टेड रिटर्न कैलकुलेट हो जाएगी। कर लीजिए इसको। बोलिए क्लियर है बिल्कुल। तो हमने पहला कॉन्सेप्ट पढ़ लिया रिटर्न की कैलकुलेशन को लेकर। आइएगा अब चर्चा करते हैं रिस्क क्या होती है। तो देखो बेसिकली रिस्क का मतलब होता है फ्लक्चुएशन। भाई रिस्क तब आती है जब आपने जो सोचा आपको वो नहीं मिलने की अगर उम्मीद नजर आ रही है तो उसी को हम क्या बोलते हैं, रिस्क बोलते हैं। तो सुनना मेरी बात को ध्यान से, ये क्या बोल रहा है, हाउ टू कैलकुलेट रिस्क ऑफ अ सिक्योरिटी। रिस्क ऑफ अ सिक्योरिटी मींस हाउ द रिटर्न ऑफ अ सिक्योरिटी may deviate from the average or the expected return. आपने निकाली एक average return या आपने निकाली एक expected return, ये आपने calculate कर ली, ठीक है। लेकिन अब मेरी बात को सुनना, अगर मैं आपको ये बोलूं कि actual return इस रिटर्न से डेविएट होकर इधर जा सकती है या डेविएट होकर इधर आ सकती है, ये सिर्फ एक एवरेज है, आप समझ रहे हो। ये जो दोनों आपने निकाले ना, ये केवल सोच है, एक्चुअल नहीं है। तो एक्चुअल रिजल्ट जो है वो डेविएट हो सकता है, एक्चुअल रिजल्ट जो है वो डेविएट हो सकता है इस एवरेज से इधर या एवरेज से उधर। तो ये जो डेविएशन है इसी को हम बोलते हैं रिस्क, और ये डेविएशन जो मेजर किया जा रहा है इसे बोला जाता है स्टैंडर्ड डेविएशन, इसे बोला जाता है स्टैंडर्ड डेविएशन डिनोटेड बाय सिग्मा। देखिएगा तो रिस्क ऑफ अ सिक्योरिटी कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन इज अ स्टेटिस्टिकल टूल विच शोज डेविएशन ऑफ रिटर्न फ्रॉम इट्स प्रिडिक्टेड रिटर्न। बेसिकली स्टैंडर्ड डेविएशन एक स्टेटिस्टिकल मेजरमेंट है जो ये बताता है कि आपकी जो रिटर्न है वो कितना डेविएट होगी आपकी प्रिडिक्टेड रिटर्न से। आपने जो प्रिडिक्शन किया, दिस इज योर प्रिडिक्शन, ये है आपका प्रिडिक्शन है। अब एक स्टेटिस्टिकल मेजरमेंट की सहायता से हम ये इवेल्युएट करेंगे कि हमारा ये प्रिडिक्शन कितना गलत साबित हुआ, यानी कितना डेविएट, ताकि हम एक रेंज कंप्यूट कर पाए कि हाँ डेविएट होगा तो भी आपकी सिक्योरिटी इस रेंज में आपको रिटर्न दे देगी।
एक रेंज बताता है स्टैंडर्ड डेविएशन, यानी इसका मतलब क्या हुआ समझना। फॉर एग्जाम्पल देखो, जैसे मैंने आपको बताया, मान लो एक स्टॉक की एवरेज रिटर्न आई 16 और स्टैंडर्ड डेविएशन आया 20, तो मेरा प्रिडिक्शन 16 है। अब अगर डेविएशन जाएगा, यानी मेरा प्रिडिक्शन गलत होगा, तो अगर वो पॉजिटिव मैनर में गया तो प्लस का 20%, यानी रिटर्न बढ़कर 19.20 तक जा सकती है। और अगर मेरा डेविएशन नेगेटिव गया तो रिटर्न 20% माइनस होकर कहां तक पहुंच सकती है, 12.80 तक। तो जानते हो अब मेरे पास इस सिक्योरिटी की रिटर्न की एक रेंज आ गई। एक प्रिडिक्टेड एब्सोल्यूट रिटर्न देना बहुत मुश्किल होता है, तो हैरी मार्कोविच ने बोला आप एक रेंज प्रोवाइड करो। रेंज इन द सेंस, अब आप ये बोलो अकॉर्डिंग टू द पास्ट डेटा या अकॉर्डिंग टू द एक्सपेक्टेड डेटा, ये सिक्योरिटी आपको 12.8 से लेकर 19.20 के अंदर अंदर रिटर्न दे सकती है। तो इसमें आपका डेविएशन शामिल हो गया, यानी आपकी रिस्क इन्वॉल्व हो गई। 16 की रिटर्न वो थी जो आपने बिना रिस्क के देखी थी, यहां पर आपने ये कंसीडर ही नहीं किया कि थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन पॉसिबल है। तो स्टेटिस्टिकल टूल जो है आपका स्टैंडर्ड डेविएशन, वो ये बताता है कि आपकी जो प्रिडिक्टेड रिटर्न है वो कितना डेविएट हो सकती है पॉजिटिव में या कितना डेविएट हो सकती है नेगेटिव। इसी मेजरमेंट को हम क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन बोलते हैं। बताइए मीनिंग समझ आया, व्हाट इज बेसिकली स्टैंडर्ड डेविएशन? रिस्क है, यानी डेविएशन फ्रॉम द प्रिडिक्टेड रिटर्न। तो हैरी मार्कोविच ने यही बोला, रिटर्न निकाल ली, अब उसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लो, यानी रिस्क निकाल लो, एंड देन फिर हम रिस्क रिटर्न ऑप्टिमाइजेशन मॉडल लगा देंगे और आंसर कैलकुलेट कर लेंगे। तो स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करने के भी दो तरीके थे। अगर क्वेश्चन में जो रिटर्न का डेटा है वो पास्ट डेटा है, या जो रिटर्न का डेटा है वो एक्सपेक्टेड डेटा है, तो पास्ट डेटा से स्टैंडर्ड डेविएशन अलग तरीके से निकलेगा, और एक्सपेक्टेड डेटा अगर दे रखा होगा तो स्टैंडर्ड डेविएशन अलग तरीके से निकलेगा। आइए थोड़ा सा मैं आपको पास्ट डेटा को लेकर समझा देता हूं। अगर मैं पास्ट डेटा को लेकर निकाल रहा हूं, सबसे पहले मैं एवरेज रिटर्न निकालूंगा, जो रिटर्न्स मुझे गिवन है उनका एवरेज ले लूंगा। कैलकुलेट डेविएशन ऑफ ईच रिटर्न फ्रॉम द एवरेज रिटर्न। अब एक कॉलम बनाऊंगा डी, डी मतलब डेविएशन, यानी पहली रिटर्न का एवरेज रिटर्न से चेंज, फिर दूसरी रिटर्न का एवरेज रिटर्न से चेंज, तो मैं डेविएशंस कैलकुलेट कर लूंगा। अब ये जो डेविएशन आए इनका स्क्वायर कर दिया जाएगा, कैलकुलेट स्क्वायर ऑफ सच डेविएशंस, उस कॉलम का नाम बनेगा डी स्क्वायर। देन अब मैं वेरिएंस निकालूंगा, वेरिएंस बेसिकली स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर होता है। फॉर्मूला क्या बनेगा, सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन। ये जो मैंने सारे डी स्क्वायर निकाले हैं इनका टोटल कर लूंगा, तो मेरे पास आ जाएगा सिग्मा डी स्क्वायर। देन इस सिग्मा डी स्क्वायर को कर दूंगा डिवाइड बाय एन, तो मेरे पास वेरिएंस आ जाएगा। तो लीजिए स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर कैसे निकलेगा, सिग्मा ऑफ डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन। और अगर मुझे सिक्योरिटी का स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है तो स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए मैं क्या कर दूंगा, रूट ऑफ वेरिएंस कर दूंगा, यानी
जो वेरिएंस मैंने निकाला उसका अगर मैं अंडर रूट निकाल दूं तो मेरे पास स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सिक्योरिटी आ जाएगा। बताइए यहां तक की बात में कोई भी, ये स्टेप्स हैं प्रैक्टिकली क्वेश्चन से मैं आपको समझाऊंगा, बट बेसिकली दीज आर दी स्टेप्स। अगर आपको पास्ट डेटा गिवन है तो आप स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालोगे? सबसे पहले एवरेज रिटर्न, उसके बाद डेविएशन। डेविएशन में आप क्या करोगे, हर इंडिविजुअल रिटर्न का एवरेज रिटर्न से डेविएशन निकाल लो, D1, D2 जैसे ऐसे आते जाएंगे, उन डेविएशन का स्क्वायर कर दो, एंड देन डेविएशन का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन कर दोगे तो आपके पास वेरियंस आ जाएगा, और उस वेरिएंस का अंडर रूट अगर आप कर दोगे तो आपके पास सिक्योरिटी का स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। बताइए क्लियर है बिल्कुल यहां तक? यस सर। चलिए तो फिर हम इसके कल क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट क्लास में, और साथ में एक्सपेक्टेड डेटा। बस साथ साथ आप इसको पढ़ते जाना, और मैंने आपको कहा था कि इनका प्रिंट निकलवा लेना ताकि आप इन एग्जांपल्स को, यहीं पर मैंने स्पेस छोड़ी हुई है तो आप सॉल्व करते चलेंगे, क्योंकि देखो इन सारी बातों को मैं लिखवाऊंगा तो 15 दिन इस चैप्टर में लगते हैं, वैसे ये चैप्टर 6 दिन से 7 दिन में खत्म हो जाएगा, क्योंकि आपको लिखना नहीं है, चीजें समझनी है और क्वेश्चन करने हैं बस। तो जो 15 से 20 दिन का चैप्टर है आपका, वो आधे समय में आपका पूरा हो जाएगा,